to Smooth Fat. Today we are going to talk about everything related to pregnancy basically. जो भी लोगों के questions होते हैं, most common questions, I'm going to answer that. I get a lot of DMs on my Instagram etc. और बहुत लोग चाहते हैं मैं इन सब topics के ऊपर बात करूँ. Since I am also pregnant, people who are new here will maybe not know, but I'm pregnant. I'm in my 6th month and I'm soon going to be stepping into my 3rd trimester, 7th month में. अभी 15 दिन है, but very excited. बहुत सारे ऐसे questions हैं जो बड़े कॉमन है, सब लोगों के होते हैं. ऑल्सो सबसे कॉमन क्वेश्चन न्यूट्रिशन एंड व्हाट आई ईट है, जिसपे मैं ऑलरेडी एक बहुत लंबा सेगमेंट बना चुकी हूँ. लंबा नहीं मतलब कि डिटेल्ड, वो आप जाके देख सकते हैं. आई डिड दैट सेगमेंट एक ब्लॉग पहले प्रेगनेंसी रिलेटेड, जो भी मैं सुबह से लेकर रात तक खाती हूँ, जो भी करती हूँ, वो सारा उसमें है. बाकी के क्वेश्चन, क्योंकि वो इतना लंबा हो गया था सेगमेंट सिर्फ न्यूट्रिशन पे, तो मैंने सोचा बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट सेगमेंट में आंसर कर दूंगी, विच इज नाउ. ऑफकोर्स डू अ गिव अवे, बट एंड में बताऊंगी कौन विनर्स है. ये वो टू बिगिन विद, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है वो है अबाउट स्ट्रेच मार्क्स. आई थिंक ये सब लोगों की बहुत कंसर्न होती है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो यंग नॉट मैरिड ऑल्सो, दे ऑल्सो हैव दोज क्वेश्चंस कि अगर जब हम प्रेग्नेंट होंगे हमारे स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू नॉट हैव देम अगर पॉसिबल है तो. फर्स्ट ऑफ ऑल द बैड न्यूज इज दैट यू कांट डू much about it. Yes, that's true. I was lucky enough in my first pregnancy to not get them. Right now I can't say, maybe I'll get them towards the end. Abhi tak to nahi aaya hai. बट जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो हेरिडिट्री होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इन मोस्ट केसेस. सो इफ योर मॉम और योर सिस्टर और समबडी इज हैड इट, देन इट इज अ पॉसिबिलिटी यू विल ऑल्सो गेट देम. कोई कोई केसेस में आपके नहीं आते हैं. द सेकेंड थिंग इज स्ट्रेच मार्क्स, एज द वर्ड सेज, जितना स्ट्रेच होएगा स्किन उतने मार्क्स आएंगे. उसको जितना ज्यादा आप कंट्रोल कर सकते हो, बेसिकली यू कैन कंट्रोल दैट विद योर डाइट और योर वर्कआउट्स और व्हाटएवर. अगर आप कम अपना वेट रखोगे तो चांसेस है कि आपके स्ट्रेच मार्क्स में भी ना आए. ऑब्वियसली देर आर सम पीपल हु ओनली गेन 8-9 केजीज इन थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी, एंड देन देर आर अदर्स हु आर गेनिंग 30 केजीज 40 केजीज. तो आप सोचो उनका कितना बड़ा स्टमक हो रहा है, और बेबी इज ओनली गोइंग टू बी लाइक 3 केजीज और व्हाटएवर, और बाकी सारा के सारा वेट उनका है. सो दैट इज वन थिंग दैट यू रियली नीड टू कीप अ चेक ऑन. प्रेगनेंसी में बहुत लोग कह रहे हैं कि चलो यार कुछ भी खाओ कुछ भी करो, अभी यही तो टाइम है, ये है वो. अभी भी मुझे सारे लोग जितने भी मिलते हैं ना, डोंट थिंक एट ऑल, डू व्हाई नॉट, आई विल थिंक. And I will think a lot. First will be the priority will be baby. But I have to keep myself also a priority. मैं क्यों अपने शरीर को फालतू में फैलाती जाऊँ जब मुझे नीड भी नहीं है, ना मेरे बेबी को नीड नहीं है. So keeping your weight under control and keeping yourself healthy, especially during this period, is more important. तो ऐसा कुछ भी मत खाते रहो, डबल मत खाते रहो जो जरूरत नहीं है. Keep a check on your weight. That's extremely important. Third thing to avoid stretch marks or to make them less or whatever, अच्छे moisture moisturizers का use. Keep the skin there hydrated. जब भी आपकी कोई भी skin stretch होती है, अगर आप उसको constantly moisturize करते रहे और वो skin आपकी hydrated और supple रहे, तो फिर chances है कि वो फटेगी नहीं. पिछली pregnancy में मैंने थ्रू आउट या मोस्टली there was this product called bio oil, सबको पता होगा, वो use किया है. सस्ता टिकाऊ बड़ा प्यारा product है, जाके कहीं पे भी मिल जाते, ले सकते हो. चाहिए तो मैं link डाल दूंगी नीचे. So I also tried some other oils. There are after bath oils. अभी बहुत गर्मी पड़ी हुई है. But if you still want to use an oil, you need something which will absorb well. Forest Essential या Kama ऐसे वाले जो brands हैं, यार Ayurvedic based and all, जिसमें मैं actually बहुत believe करती हूँ. And वो after bath oil है, वो बिल्कुल चिपचिप नहीं होते, which I really liked. और बाकी moisturizers and all. So towards the end of the pregnancy, अभी तो मैं एक ही बार कर रही हूँ. I take a shower and I use like an oil or a cream. और फिर towards the end, जब last 2 months रह जाएंगे, तब I will use it twice. Once when I take a shower and once before I go to bed. For that extra hydration, तो मैं एक time उस time पे cream use करती हूँ और एक time पे oil use करती हूँ, ताकि skin extra moisturized रहे. And as much as we can avoid it from our side, the stretch marks. Otherwise, ऐसा कुछ sure shot नहीं है that you won't get them. You can only make it less or avoid them for a bit. Or make them lighter, basically. Second, people have been asking me what are the workouts that I've been following, ya kitna allowed hai, kitna nahi hai, should pregnant women be working out or they shouldn't be, should they be only on bed ya phir unko uthna chahiye, active rehna chahiye. I would say unless your doctor has
advised you to stay on bed, please don't stay on bed. अपने आप को patient की तरह treat मत करो pregnancy में. In fact, make it a point कि बहुत active रहो. Get up from the bed, even if it's hard. I know. Starting 2-3 months, I agree. It's very tough. There are too many hormonal changes. बहुत चीजें हो रही होती हैं. Mood खराब, ये वो bodily changes हो रहे होते हैं. And you are literally lethargic. You can be almost sleeping for 15-15 घंटे भी सो सकते हो आप. तो that happens. And उस time पे any kind of heavy workouts other than I think just walking or whatever, it's not allowed. उस time पे मत stress दीजिए वो वाला. But second trimester onwards, आप अपने fourth month से be very active. तो आपकी energy सब वापस आ जाएगी. In most cases, I would say some people have complicated pregnancy, and I do understand. But don't make it complicated for yourself. Is what I'm trying to say. If you're normal, if you're feeling fine, get up and start walking. At least that's the minimum you can do. I have been doing, in fact, I'm more active in my pregnancy than I've been normally. जो लोग मुझे जानते हैं, वो जानते हैं मैं ज़्यादा workout नहीं करती हूँ. मेरे husband बहुत विश्वास रखते हैं workout करने में, पर मैं इतना बिल्कुल भी नहीं करती हूँ. In fact, मेरी और उसकी वजह से झगड़े भी होते हैं कि उठ जाऊँ भाई, करो कुछ body के लिए अपनी. I am otherwise healthy. My diet, my nutrition, my walks, वो सब मैं करती हूँ. Yoga थोड़ा. तो मैं अभी कर रही हूँ follow. I'm doing Pilates. So you can read about it. That I'm doing thrice a week. I was never doing Pilates. Actually, मैंने just before my pregnancy start किया था. When I checked with my doctor if I can continue. Of course, I didn't do it in the first 3 months. फिर मैंने fourth month onwards, अब पिछले 2 महीने से I've started again. So I'm doing it thrice a week and I'm so proud of myself. जब मैं वो करके आती हूँ, मुझे इतना लगता है sense of achievement मिलती है कि wow, तो मैं pregnant हूँ, पर से मैं Pilates कर रही हूँ. इतना अच्छा workout, because उसमें सब stretches होते हैं. उसमें काफी सारी ऐसी वर्कआउट्स हैं विच एक्चुअली हेल्प यू ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ योर डिलीवरी एंड लेटर. स्विमिंग बहुत अच्छी है जो लोग कर सकें, या दे हैव लाइक एन एक्सेस टू द पूल, या आपकी कहीं पे मेंबरशिप है या व्हाट एवर इट इज. अगर आप रेगुलरली कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट. वंस या ट्वाइस अ वीक इज ऑल्सो वेरी गुड इफ यू कैन. So that's one workout that you can follow. मैं बड़ी चोर हूँ पानी में जाने की. हाँ, मैं घर में भी नहीं जाती मैं पूल में. It's very sad we have that facility and I don't end up using it. Actually, जो लोग कर सकते हैं, it's a great form of workout. Third, I'm doing yoga, which I've recently started again. So it's my same instructor. It's half the class we end up doing a lot of breathing, meditating, relaxing, affirmations, all of that we do. It's a great class. कादंबरी जो मुझे योगा कराती है, एंड शी इज अ प्रीनेटल योगा एक्सपर्ट, एंड आई डिड इट विद हर ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रेगनेंसी आल्सो. आई वाज प्रेग्नेंट विद अनायका. शी यूज्ड टू कम, वी यूज्ड टू डू लाइक रियली गुड सेशंस टुगेदर. बाकी आधी क्लास में देन वी एंड अप डूइंग द योगा पोजेस अगेन, द वंस दैट आर गोइंग टू हेल्प मी राइट नाउ ड्यूरिंग माय डिलीवरी एंड आफ्टर माय डिलीवरी. लास्ट टाइम आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू आफ्टर अनायका, एंड आल्सो द लॉकडाउन एंड ऑल हैपेंड दैट टाइम. बट दिस टाइम इफ आई कैन कंटिन्यू, आई माइट जस्ट कंटिन्यू
कंटिन्यू द प्रीनेटल सेशंस इनटू माय पोस्टनेटल सेशंस बिकॉज़ योगा आप कर सकते हैं. आई थिंक फर्स्ट कुछ वीक्स नहीं करते हैं, ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट डिलीवरी आई हैव ऑल ऑफ दैट, उस पर डिपेंड करेगा काफी बाद का. तो व्हेन आई एम डूइंग योगा विद हर एंड व्हेन द क्लास इज गोइंग ऑन आई फील वेरी पीसफुल एंड वेरी काम एट दैट टाइम. आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आई हैव बीन वेरी बिजी विथ वर्क, विथ अनायका, विथ माई ट्रेवल्स, विथ एवरीथिंग एल्स दैट्स हैपनिंग अराउंड मी एंड उसके बीच में अपने लिए टाइम निकालना और माइंड को फ्री एकदम छोड़ना वो बिल्कुल नहीं हो पाता. इवन सोने से पहले नहीं हो पाता, जल्दी उठ जाती हूँ. आई बीन इनसोम्निक ऑन अ लॉट ऑफ नाइट्स, आई डोंट स्लीप प्रॉपरली, देयर्स टू मच गोइंग ऑन बेसिकली. एंड प्लस यू नो ऑल द घर का चलाने का, दिस दैट किचन. जिन लोगों ने हमारे जीजी पे ब्लॉग्स देखे होंगे उनको पता है रिसेंटली सेपरेटेड आवर किचन. सो ऑल ऑफ दैट मैनेजिंग इज जस्ट taking a toll on my mental health. So there is some time that I need which is like just me time. I don't think about anything else and I can just relax. These classes are really helping me do that, just relax and be calm. Other than that, workouts mein walks very important. During my last pregnancy also I spoke a lot about walking, especially because main bahut walk karti thi Anayika ke time pe. So I used to do 8,000 to 10,000 steps every day. Of course, end में जाके तो मैं 1-1.5 घंटा वॉक करती रहती थी, तब भी मेरे नहीं होते थे कम्प्लीट, बिकॉज आपकी स्पीड धीरे हो जाती है आफ्टर 7th month, 8th, 9th month में धीरे थोड़ा वॉक करना होता है, आप थोड़ा सा डर भी रहे होते. बट आई नेवर स्टॉप टिल द लास्ट डे आई वॉज वॉकिंग एंड नॉट जस्ट टहल लिया, ब्रिस्क वॉकिंग एंड कम्प्लीटिंग अ सर्टन नंबर ऑफ स्टेप्स. मैं ये नहीं कह रही कि आप 10,000 करो या 8,000 भी करो, बट मेक इट अ पॉइंट that you are walking, you are doing something. आधा घंटा पौना घंटा आप लग के करो, whatever, साथ में आप podcast सुन लो, कोई आपको देखना है फोन पर देख लो, आप किसी से कॉल पे बात करनी आप कर लो, you want to listen to some songs, you can do that. Or if you just want to be your thinking process or your relaxing or enjoying the environment around you, or if you have company and you're walking with them, whatever, I mean you can do. But take out that time for yourself and do it. So that I'm doing every day, at least 6 days a week, even though I'm doing other workouts. But मैं walking नहीं छोड़ रही, because last time मुझे पता है मेरी pregnancy में my walks have really helped me a lot. Also it helps me stay active, unless मैं शाम के time पे busy हूँ, जबकि मैं events I mostly do in the morning or afternoon, and evenings I always keep myself free because that's a Anayika's time also with me, and also my little time for my walks and all. So I make it a point that I do it. That's something I have not been able to achieve 10,000 steps every day at all. Recently हम travel कर रहे थे, we were in UK and all, वहाँ पे हो जाते हैं 10,000, 12,000, 15,000 भी हो जाते हैं, वहाँ पे इतनी walk हो रही होती है. So I was happy on my vacation. So, मैं फुल ऑन चल रही थी. घर पे कितने स्टेप्स होते हैं, 7,000-8,000 करने की ट्राई कर ही लेती हूँ, उतने हो जाते हैं पूरे दिन में. और ये वॉच हमेशा पहन के रखती हूँ तो इसमें काउंट होते रहते हैं. एंड इज ऑल्सो आप एक्टिव पूरे दिन भी रहते हो ना, कि कम्प्लीट नहीं हुए आज के, तो बाकी कमरे में गल चल लिया, थोड़ा एक्टिव रही, यानी कि बेड पे बस पसरे ही पड़े हैं, उठ ही नहीं रहे हैं. वो मत बनाओ अपने आप को व्हेन यू आर प्रेग्नेंट. सो दैट्स इम्पोर्टेंट टू बी एक्टिव. हाँ, एक्टिव से याद आया, वेमेन हु आर वर्किंग, इवन इफ यू आर हाउसवाइफ्स, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू गेट आउट ऑफ द हाउस. जब माइंड चेंज होता है, हवा चेंज होती है, एनवायरमेंट चेंज होता है, यू एक्चुअली फील बेटर. इवन दो घर पे बैठ के लग रहा होता है अरे कौन जाएगा, फॉर मी ऑल्सो द सेम थिंग हैपन्स. हर इवेंट से पहले सोचती हूँ शुड आई कैंसिल इट, शुड आई जस्ट टेल देम आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट और फीलिंग वेल और व्हाटएवर, बिकॉज हो रहा होता है ऐसे. और कई बार इट्स जस्ट द मूड, इट्स नॉट जस्ट एक्चुअली द हेल्थ, बट आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है. बट आई रियली पुश माई सेल्फ, गेट अप, get ready, go out, and feel so good after that theek hai, there's a sense of achievement, kaam kiya kuch, event gaye, logo se mile, sab kuch hua. Same with my shoots, sometimes I think ki aaj cancel kar deti hu, kal kar lungi, parso kar lungi, fir lagta hai ki aaj hi karti hu na, kal edit pe baithungi, ye karungi, wo karungi. Whatever you guys are doing, I mean my example could be a wrong example for you, but whatever you all do, I know it'll take that extra effort to get up or get ready. But do that, you'll definitely feel better. मैं बहुत सारे चीजों में बाहर जा रही हूँ, सब कर रही हूँ. I've tried to keep myself extremely active. So that's that. हम vlogs थोड़े कम बन रहे हैं. I agree. I'm trying as much as I can. जितना हो पाता है I'm doing it. इस मूवमेंट पे भी एक्टिव रहने की ट्राई कर रही हूँ. What are the other questions that I get? If you guys have any other questions,
I can answer them. I can make another segment of answering them. Nutrition हो गया, workouts हो गए, stretch marks हो गए. मैंने पहले segment बनाया था, उसमें मैंने breastfeeding, kids nutrition and all that you can go watch. What are the other topics that I wanted to? मुझे याद ही नहीं आ रहे actually. और क्या बात करनी थी मुझे? पापा करके कहीं और पहुंच जाती हूँ मैं actually. Pregnancy में और क्या होता है? स्किन केयर ये वो सब लोग ये काफी पूछते हैं मुझसे. हेयर फॉल हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती. रुक गया पर हो गया था जो रसायन की नहीं पता नहीं. इफ यू आर यूजिंग एनीथिंग विद रेटिनॉल यू कैन नॉट यूज दैट. जो भी एक्टिव्स वाले आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, ये एसिड है, वो एसिड है, नाइसिन, पढ़ लो, गूगल पे सब इन्फॉर्मेशन है. मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं उतने अच्छे से शायद आंसर ना कर पाऊँ ये सब क्वेश्चन. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बट गूगल बिफोर यूजिंग एनी एक्टिव्स. नॉर्मल क्रीम्स, नॉर्मल वो सब ठीक है, ऑयल्स ये वो. आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज करते तो बेस्ट है, नेचुरल है, कि जो प्रोडक्ट्स में नो हार्मफुल केमिकल्स ये वो होता है वो भी सेफ ही होते हैं. सेम विद हेयर, कोई कोई हेयर टॉनिक्स जो होते हैं उनमें कोई ना कोई केमिकल होते हैं कई बार वेरी स्ट्रॉन्ग वंस, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अलाउड. So just check. That's about it, yeah. I think I've covered most of the things. If you have any further questions, you can put them down in the comment section. I can answer them for you. Yes, so giveaway time. This time you're going to be having two lucky winners. One is this and one is this. Congratulations, guys. You have won yourself these products from Flora Soul. This is an Ayurvedic brand. Since I was talking so much about Ayurvedic brands, this is a very nice brand. Isme hai ek radiant age-defying serum and rejuvenating night cream with shea butter. You won yourself this. And this one is an energizing day cream with orange peel and sandalwood oil. And this one is a rich and nourishing body milk with olive butter and sweet almond oil. Congratulations! मैं थक गई, मेरे को सांस चढ़ गई बोल बोल के actually. I hope you guys enjoyed this segment. I'm trying to bring something fun in the next segment. Also, Mr. Husband's been very very kind. हर रोज मुझे फूल भेज रहे हैं, अभी दोबारा आए हैं फूल बाहर क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है, and he's trying to make me feel special. It's so so cute. Every day I get so emotional and I've already told him कि don't send. I know मेरा बर्थडे भी एक महीना दूर है. Are you going to be sending? और अभी already वो मुझे 10-15 दिन से भेज रहा है, but it's really sweet. So yes, on that note, I'm gonna finish this segment now. Bahut bol liya. Bye bye guys.